पिछली बार मेयर पद के चुनाव के घमासान के बीच पीठासीन अधिकारी के को लेकर भी सियासत गरमाई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन इस बार मुकेश गोयल पीठासीन अधिकारी हैं और बातचीत की उनसे हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने, दिखा रहे हैं आपको। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न हो गया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो शैली ओबरॉय थी वो मेयर बनी है और आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर बने, क्योंकि पिछली बार जो उम्मीदवार थे उनको फिर से आम आदमी पार्टी ने रिपीट किया था और निर्विरोध चुने भी गए। लेकिन इस बार दिलचस्प था चुनाव, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपने नाम वापस ले लिया। बातचीत के लिए इस बार नई जिम्मेदारी भी मिली है, सदन के नेता भी है और पीठासीन अधिकारी भी हैं। मुकेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी पार्टी के फिर से चुन गए और वो भी निर्विरोध। धन्यवाद। आज महापौर उपमहापौर का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि संख्या बल जो है आम आदमी पार्टी के साथ है, बहुमत आम आदमी पार्टी के साथ है। उन्होंने प्रयास किया कि हम बहुमत जुटाएं, लेकिन वह बहुमत जुटा नहीं पाए, बल्कि उन्हें यह महसूस हुआ कि हमारी पार्टी के कुछ पार्षद, जो उनकी 104 या 105 की संख्या है, उसमें हमारे कुछ पार्षद आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने नामांकन वापस लिए। और मैं समझता हूँ कि चलो उन्होंने नामांकन वापस लिया और उन्होंने अपना महापौर के रूप में शैली जी को, महापौर के रूप में आले मोहम्मद को निर्विरोध चुनने में मदद करी, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से यदि वह मिलजुल कर चलें और 250 के 250 पार्षद दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सदन को सुचारू रूप से चलाएं और सदन के अंदर दिल्ली की समस्याओं के ऊपर चर्चा हो, तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता की समस्याओं को राहत मिलेगी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों से यही कहना चाहूँगा कि वो सार्थक चर्चा में भाग लें, सदन की कार्यवाही को चलने दें और सदन की कार्यवाही के अंदर दिल्ली की जनता के हित के अंदर फैसले करें और मिलजुल कर दिल्ली का विकास करें, दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और साफ सुथरा बनाए। आपका कहना जो नाम वापस लिए गए वो बीजेपी में डर था कि जो उनके मौजूदा पार्षद है कहीं वो आम आदमी पार्टी को वोट ना कर दे, लेकिन इसके पीछे बीजेपी का अलग कुछ कहना है। उनका कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ तो मेयर डिप्टी मेयर का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मेयर और डिप्टी मेयर का कोई वैल्यू नहीं है। यदि उन्हें यह चीज़ नज़र आ रही थी, उन्हें इस चीज़ का अंदेशा था, तो उन्होंने नॉमिनेशन क्यों करवाए, क्यों डर था उनको कहीं, तो क्यों नामांकन करवाए उन्होंने? फिर उन्होंने को अपने महापौर और उपमहापौर के कैंडिडेट के लिए नामांकन नहीं कराना चाहिए था, यदि उनकी यही लॉजिक था तो। और फिर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों का भी चुनाव आप सबको पता है कि न्यायालय के लिए लंबित है, और न्यायालय के अंदर कौन लोग गए हैं सबसे पहले यह भी आपको पता है कि किस प्रकार से हुआ और किसकी वजह से स्टे हुआ हुआ है। तो निश्चित तौर पर न्यायालय से जब भी इसके लिए फैसला आएगा, निश्चित तौर पर स्थायी समिति का चुनाव भी होगा, स्थायी समिति का चुनाव भी आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीती। लेकिन आपकी पार्टी एक और आरोप लगा रही है, गंभीर आरोप है कि दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने के लिए, 10-10 करोड़ का ऑफर है। तो मैं जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं उनके ऊपर इस बात के, उन्हें इस बात की जानकारी होगी और जो जब उन्हें जानकारी होगी उसी के भाव पे मैं समझता हूँ कि वो इस बात को कह रहे होंगे। पीठासीन अधिकारी भी इस बार एलजी ने मान लिया कि चलो बनाई देते हैं, जो परंपरा रही है और सीनियर मोस्ट पार्षद भी हैं आप, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? पिछली बार नाम भेजा गया था, सरकार ने नहीं बनाया, इस बार बना दिया। इस बार यह बात क्लियर हो जाती है कि उस समय पर मेरे को जो आरोप लगाकर जो मेरे को हटाया गया था वो सारी बातें क्लियर हो गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो जो हाउस के अंदर किया उनके पीठासीन अधिकारी ने, वो भी पूरी दिल्ली की जनता ने देखा, तो निश्चित तौर पर कोई विकल्प नहीं बचता था कि सीनियर मोस्ट काउंसलर को बनाए। मैं केजरीवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे नाम की सिफारिश करी, और साथ ही साथ मैं उपराज्यपाल महोदय का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे नाम को अंततः स्वीकार किया और मुझे पीठासीन अधिकारी बनने का मौका दिया। बिल्कुल, तो ये आम आदमी पार्टी के सीनियर पार्षद और पीठासीन अधिकारी के इस बार इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, निर्विरोध चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है शैली ओबरॉय और आले मोहम्मद इकबाल दोनों मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर अपने आसीन हो गए हैं। तो एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी कह रही है और इसके पीछे दावा ये भी कर रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था कि कहीं उनके पार्षद आम आदमी पार्टी को वोट ना कर दे, इस वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिए। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़।